हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिंगल कलर का डिजाइन लाई हूँ। बहुत ही सुंदर है, आप इसे बना करके एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कार्डिगन में, ये लेडीज के लिए है, जेंट्स के स्वेटर में ये अच्छा नहीं लगेगा डिजाइन। आप लेडी कार्डिगन में इसे बना सकती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में भले ही थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसे बनाना शुरू कीजिएगा तो कुछ स्टेप्स आपको शुरू में लगेंगे कि यह हार्ड है डिजाइन, बट आप अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे, आप मेरे सारे रूल्स फॉलो करोगे तो आप ये डिजाइन आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस डिजाइन को हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। ये जो डिजाइन है 16 फंदों की डिजाइन है और ये 16 के मल्टीपल में ही चलेगी, और साइड के लिए दो फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। देखिए मैंने 32 फंदे लिए हैं और दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो देखिए इस डिजाइन को कैसे बनाते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, हम जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर से हम धागा आगे लाएंगे और जाली डालेंगे हम यहाँ पे। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ शुरू से ही। ये देखिए हमारा यहाँ पे, देखिए आप गौर से, दो जालियाँ हैं, तो यही दो जाली हमने यहाँ पे डाली है। ठीक है, उसके बाद ये दो फंदे सीधे हैं और उसके बाद आगे बताती हूँ। ये हमने दो जालियाँ डाल ली, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और चार फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, और ये हमारा चौथा फंदा सीधा हो गया। अब हम धागा पीछे की ओर करेंगे और देखिए ये तीन फंदे जो हैं, तो इसमें हमें पहला और थर्ड ये तीनों को हमें बुनना है, और ये बीच वाला जो है इसे हम इस प्रकार से चढ़ा लेंगे, और पहला और तीसरा को हम इस प्रकार से सीधा बुनेंगे। ठीक है, ये हमने बुन लिया। अब जो है बीच वाले फंदे को हम उसको इस प्रकार से करके, और ये बीच वाला फंदा हम इस प्रकार से ऐसे चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर से देखिए चार फंदे हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। फिर से हम दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक और ये हमारा दो, दो फंदा सीधा हो गया। फिर हम धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, ये हमने जाली डाल ली है दो। अब फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से हम चार फंदे उल्टा बुनेंगे, एक दो और तीन, और ये हमारा चौथा फंदा सीधा हो गया। धागा पीछे करेंगे और फिर से देखिए ये तीन फंदे जो हैं, तो हमें पहला और ये तीसरा फंदा को हमें बुनना है। मैं दो तरीके से आपको बता रही हूँ, आपको जैसे इजी लगे वैसे आप बनाओ, या तो पहले और तीसरा फंदों को एक साथ करके कांटे पे निकाल लो, या फिर आप पहले और तीसरे को एक साथ बुनो और बीच वाले को ऐसे ही रहने दो। बीच वाले को देखिए हमने नहीं चढ़ाया है, ऐसे ही है, तो इस प्रकार से अभी आप बना सकते हो। अब देखो हमारा ये जो बीच वाला फंदा है, ये हमारा बीच से निकल करके आ गया है इस प्रकार, तो इसे हम क्या करेंगे, धागा को इस प्रकार दो उससे भी चढ़ा लेंगे और इस प्रकार से फिर इसे हम पलट देंगे।
तो दो तरीकों से हमने ये वाला बताया है आपको बीच बनाने के लिए। ये जो देखिए हम बना रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन है हमारा। ये जो तीन का हम कर रहे हैं, दो को एक साथ कर रहे हैं और एक को चढ़ा रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन हमारा बनेगा डिजाइन का। ठीक है, अब फिर से हम वापस चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे। एक, दो, तीन, और ये हमारा रहा चौथा फंदा। ठीक है, चार फंदे हमने ले लिए उल्टा। अब हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे हमने सीधा बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक जाली डाल देंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारा दो घट रहा है, घर दो घर हमारा घट रहा है, तो इधर एक जाली आएगा तभी ये डिजाइन कंप्लीट होगी। ठीक है, ये हमने कर लिए हैं। अब है सेकेंड रो की बारी। तो सेकेंड रो में देखिए, जो हमारा उल्टा है वो हमारा उल्टा, और जो सीधा है वो सीधा बुनेंगे हम। सेकेंड रो में बस वही करना है, जो हमारा उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे, और जो हमारा सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे। अगर आपको समझ में पीछे से नहीं आ रहा तो आप इस प्रकार से पलट के देख लीजिएगा कि कौन सा फंदा आपका उल्टा है और कौन सा सीधा है। तीन, और ये हमारा चौथा फंदा सीधा हो गया। बीच वाला फंदा हमारा एक उल्टा है। फिर से हम चार फंदे सीधे बुनेंगे। आप अपने अनुसार पीछे से जो है उल्टा का उल्टा और सीधा का सीधा बुन लीजिएगा, उसमें आपको ज्यादा सुविधा होगी। ये देखिए हमने सेकेंड रो कंप्लीट कर लिए हैं उल्टा साइड से। उसके बाद है थर्ड रो की बारी। पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से हम धागा आगे करेंगे और यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो, फिर से हम धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे और तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे, दो, और ये तीसरा फंदा धागा पीछे करेंगे, और फिर से हम ये फर्स्ट और थर्ड वाला को लेकर के हम बुन लेंगे। सेकंड वाला को छोड़ देना है, फर्स्ट और थर्ड वाला को हमें बुनना है, और बीच वाला फंदा जो है हमें इस प्रकार से उतार करके और इसे इस प्रकार से उतारना है और यूं चढ़ा देना है। ठीक है, अब फिर से हमें धागा आगे करना है और तीन फंदे उल्टा बनाना है, धागा पीछे करना है, दो फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे करके फिर से हम एक जाली डालेंगे, फिर से दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हम वापस पहला और तीसरा फंदा को हम बुनेंगे पीछे से सीधा, और दूसरा फंदा को हम नहीं बुनेंगे। बीच वाला फंदा जो हमारा रह जाता है उसे हम निकाल करके और इस प्रकार से हम चढ़ा देंगे। फिर से हम वापस
तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे, दो तीन, फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से एक जाली डालेंगे और वापस लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे। पीछे से फिर से वही प्रोसेस, उल्टा वाला फंदा उल्टा और सीधा वाला सीधा। आप आगे से देख करके अपना फंदा बना सकते हैं। ये डिजाइन भले ही आपको भारी लगेगी बनाने में, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इस डिजाइन को बनाइए। अगर आपको डिजाइन समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए और फिर इसे ले कीजिए, पाउच कीजिए और फिर इसे देखिए, बनाइए। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज में लिख करके आप मुझसे ये डिजाइन पूछ सकते हैं, मैं वहां बता दूंगी। अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताऊंगी कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रो कंप्लीट हो गया। अब है फिफ्थ रो की बारी। पहला फंदा हम उतार लिए, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे, फिर से हम दो चार फंदे हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने सीधे बुन लिए, धागा आगे करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये पहला फंदा और तीसरा फंदा को हम लेकर के फिर से इस प्रकार से हम निकाल लेंगे और बीच वाले फंदे को हम इस प्रकार से चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर से हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करके एक जाली डालेंगे, फिर से हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन और ये हमारा चौथा फंदा हो गया, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और पहला और तीसरा फंदा को हम फिर से बुन इस प्रकार से बुनेंगे इकट्ठे, और ये दूसरा वाला फंदा जो बीच का हमारा ये वाला जाता है सीधा चेन टाइप का, उसे हम पलट देंगे इस पे, धागा हम आगे करके फिर से दो फंदे बनाएंगे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करके हम जाली डालेंगे और फिर से जो बचे हुए हमारे पार्ट्स हैं उसे हम सीधा बुन देंगे। फिर से वही प्रोसेस, रो सिक्स जो उल्टा है वो उल्टा और सीधा है जो सीधा। ये देखें हमने सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है। अब है सेवेंथ रो की बारी। तो देखिए अब सेवेंथ रो, पहला फंदा हमने उतार लिया, धागा आगे करेंगे, सॉरी पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, अब हम छह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह फंदे हमने सीधे बुन लिए, धागा आगे करेंगे, उसके बाद एक जाली डालेंगे, फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से वापस हम तीन फंदे का पहला और तीसरा बुनेंगे और
बीच वाला फंदा को हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर से हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर से वापस हम छह फंदे सीधा बुनेंगे, वापस धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे, फिर से एक सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से वही प्रोसेस, तीन फंदे वाला पहला और तीसरा बुनेंगे और बीच वाले फंदे को एज इट इज निकाल करके हम इस प्रकार से फिर इस पे पलट देंगे। फिर से वापस हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे और बाकी बचे हुए सारे फंदे को हम सीधा बुन देंगे। अब है 8 रो की बारी। 8 रो फिर से वही प्रोसेस, सीधा वाला सीधा और उल्टा वाला उल्टा, आपको पूरा बुन लेना। मैं रॉन्ग साइड का इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा अगर मैं रॉन्ग साइड का बताती हूँ तो इसीलिए आप उल्टा और सीधा तो देख करके आप खुद भी बना सकते हो। तो बस मैं आगे का डिजाइन बता रही हूँ, आप ये 8 रो जो है वो आप खुद से कंप्लीट कर लो, फिर 9th रो मैं बताऊंगी। अब देखिए 9th रो, पहला फंदा हम उतार लेंगे, एक फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे और 2, 4, 6, 8 फंदे हम सीधा बुनेंगे। ये हमने बुन लिए, धागा आगे करेंगे, फिर से हम जाली डालेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे इस बार, और ये पहला और तीसरा फंदा जो है इसमें हमें कोई फंदा उल्टा नहीं बुनना है क्योंकि हमारे उल्टे बुनने के लिए फंदे बचे ही नहीं है, दो फंदा ही तो हमारा उल्टा बच रहा है, बीच में तो ये सीधा वाला फंदा, तो ये दोनों तो हमारा पीछे बुना करके ये उतर ही जाएगा, तो इसमें हमें कोई भी फंदा उल्टा नहीं बुनना है, सारे फंदे सीधे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे हमें इसमें उल्टे ही बुनने हैं, इसमें कहीं भी उल्टा और सीधा नहीं बुनना है। इसके बाद जो रॉन्ग साइड वाले पैटर्न हम बुनेंगे वो सारे उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए पहला और तीसरा फंदा हम इस प्रकार से बुन लेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं, और ये बीच वाला फंदा को हम इस प्रकार से चढ़ा लेंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, फिर से हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से सारे फंदों को हम बुनते जाएंगे जब तक कि हम जाली वाले तक पहुंच नहीं जाते। देखिए जाली हमारा यहाँ है तो यहाँ तक हम सीधे ही बुनेंगे। ये देखिए हमने जाली वाले फंदे तक बुन लिया है, धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे, फिर से हम एक फंदे सीधे बुनेंगे और वापस फिर से वही पहला और तीसरा फंदा को हम इस प्रकार से बुन करके निकाल लेंगे, बीच वाले धागे को हम निकालेंगे और इस प्रकार से पलट देंगे। फिर से वापस दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और फिर से बाकी सारे फंदों को हम एज इट इज सीधा बुन देंगे। अब नेक्स्ट रो की बारी है, ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे,
ये एक ऐसा फंदा है, ये एक ऐसी सिलाई है जिसमें सारे लास्ट में उल्टे ही बनते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सीधा बुनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये हमारा रॉन्ग साइड का कंप्लीट हो गया है। आप देखिए नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरा फंदा में हम क्या करेंगे, चार फंदा हम उल्टा बुनेंगे, सॉरी ये देखिए मैंने गलत बता दिया है, माफी चाहती हूँ इसके लिए। ये वाला रो, यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे, पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे, ठीक है। फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, दो तीन और ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं, धागा पीछे करेंगे और पहला फंदा और फिर से ये तीसरा फंदा जो है बुनेंगे हम, और ये जो बीच वाला है इसे हम निकाल करके और इस प्रकार से हम उतार लेंगे इस वाले फंदे के ऊपर से, ठीक है। फिर से हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन और ये हमारा चौथा फंदा, ये हमने उतार लिया, धागा पीछे करेंगे, चार फंदा हमने उल्टा बुन लिया। देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच फंदे जो हैं, दो फंदे इधर के और दो फंदे इधर के, बीच वाले एक फंदे, इन पांचों फंदों के बीच से हम इस प्रकार से निकालेंगे और धागा पीछे से इस प्रकार से हम लाएंगे और इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से निकालने के बाद एक फंदा हम ये इसी प्रकार से हम निकाले रहेंगे और एक फंदा हम बुनेंगे और इस प्रकार से बुन लेंगे। इसके बाद ये वाला फंदा जो हम पीछे से लाए हैं उसको इस प्रकार से पलट देंगे और हम एक फंदे का एक फंदा ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से हम धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे और फिर से एक हम सीधा बुनेंगे। ये जो देखिए हमने बनाया है नॉट वाला, ये वाला पोर्शन है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये नॉट वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ जो उसके बाद फिर से हम धागा आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे, दो तीन और ये चार, फिर से धागा हम पीछे करेंगे और पहला और तीसरा फंदा को हम बुन लेंगे, धागा और बीच वाले को उतार करके इस प्रकार से हम चढ़ा लेंगे। फिर से हम चार फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन और ये चार, फिर से धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फिर से पांच फंदे जो हमारे सीधे बचे हैं उनके बीच से हम धागा इस प्रकार से निकालेंगे और इस प्रकार से डाल करके, सॉरी इस प्रकार से हम निकालेंगे वापस और इस प्रकार से एक फंदा हम बुन लेंगे उन पांचों में से और इसे इस प्रकार से हम पलट देंगे। फिर हम धागा पीछे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, एक
जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे, वापस फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर से हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए चार फंदा हमारा उल्टा बन गया है धागा पीछे करके। अब ये दोनों फंदे हम धागा पीछे करके हम दोनों फंदों को सीधे इस प्रकार से इकट्ठे बुन देंगे, इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे दोनों साइड का जाली बन रहा है तो इधर घर हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए। वापस रॉन्ग साइड में फिर से वही प्रोसेस, सीधा सीधा और उल्टा उल्टा। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने ये डिजाइन शुरू किया था वहां से ये वापस डिजाइन शुरू हो गया है। आप इसी प्रकार से जैसे हमने आपने यहाँ पे बनाया है डिजाइन, उसी प्रकार से आप ये सब बनाते चले जाइएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी आप लोगों को। देखिए ये जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था वही वाला प्रोसेस वापस आ गया है ये। अगर आपको इसको आगे की फिर भी नहीं समझ में आता है, तो अगर आपको इसकी आगे की वीडियो चाहिए कि आगे कैसे बन रहा है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसका सेकेंड पार्ट मैं बनाऊंगी यहाँ से, तो आप उसे देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मेरी कार्डिगन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी, देखिए जो मेरे कार्डिगन में बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस डिजाइन को। देखिए देखिए मेरी कार्डिगन में जो डिजाइन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये वाली डिजाइन बताऊंगी किस प्रकार से इसे हम बना सकते हैं। और मैंने अपने गले पे ये डिजाइन दे रखा है, आप ये देखिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही कार्डिगन की डिजाइन बताऊंगी, तो इस वीडियो को अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। थैंक यू।